सब्सक्राइब कीजिए टेक चाहत को, बेल आइकन दबाइए टेक की बातें जानने को। हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर ले आया हूँ एक और जबरदस्त आज की टेक न्यूज़, यानी कि टेक की बातें। और ये हमारी पहली टेक न्यूज़ की सीरीज है और ये कंटिन्यूसली आती रहेंगी और आपको टेक की बातें जानने को मिलती रहेंगी। मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं टेक चाहत, आइए करें टेक से प्यार। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज़ ये है कि शायद टिकटॉक वापस आ जाए, क्योंकि यूएस में बैन होने के कारण कि नहीं हो टिकटॉक वापस बैन नहीं हो वहाँ यूएस में, इसलिए नए नए पैंतरे आजमा रही है टिकटॉक की। और जो उनकी पार्टनरशिप थी बिट डांस के साथ, अब टिकटॉक कह रही है कि हम वो पार्टनरशिप वापस लेंगे और शायद इसी कारण से शायद वापस इंडिया में भी टिकटॉक वापस आ जाए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, जो कंफर्म न्यूज़ आएगी वो बाद में आएगी, अब देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कि टिकटॉक वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक टिकटॉक वापस नहीं आना चाहिए वापस। अगर दोस्तों आप अगर पबजी खेलते हो, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि डायरेक्ट रिलीव ने टाई अप किया है पबजी के साथ, यानी कि जब तक आप पबजी गेम खेलोगे और जितना उस गेम के अंदर भागोगे या दौड़ोगे, तो जो इतना भी उसका डोनेशन है वो डायरेक्ट रिलीफ फंड में जाएगा। इसलिए दोस्तों, जितना मर्जी उतना पबजी खेलो और थोड़ा सा योगदान दो अपना ये डायरेक्ट फंड रिलीफ में। दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज़ हमारे चैनल की भी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आपको पता ही क्या होता, आधे से एक घंटे के अंदर जो भी कमेंट करता है उनको मेरी तरफ से हार्ट्स एंड रिप्लाई तो ज़रूर बनते हैं। अब दोस्तों, अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं कि ब्लैक रॉक नाम का एक एंड्रॉयड टीजर आ चुका है। वो क्या करता है, बेसिकली वो दिखाता है कि आपको गूगल का या कुछ भी चीज़ का अपडेट हो रहा है, लेकिन वो जितना भी आपके फ़ोन में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रहती है, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड, वो सब अपने अंदर खींच लेता है और उससे आपको शायद बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो। इसलिए दोस्तों, आप अपडेट करें तो जो भी अपडेट करते हैं या कोई भी ऐप की परमिशन देते हैं वो एक बार देख लीजिए या पढ़ लीजिए, उसके बाद दीजिए। और यहाँ वहाँ से आलतू फालतू जगहों से कोई भी ऐप मत इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। दोस्तों, जो हमारा आशूस ROG 3 फ़ोन था उसके रिलेटेड एक अपडेट है। जो हमारा आशूस ROG 2 फ़ोन था उसमें 2 ट्रिगर थे, लेकिन जो ROG 3 आएगा उसमें आपको 4 ट्रिगर देखने को मिलेंगे। तो वो आप चारों ट्रिगर को कस्टमाइज कर पाओगे अपने हिसाब से। और जो ROG 2 फोन था वो भी अच्छा था, लेकिन ROG 3 फोन तो इट वॉज अ ग्रेट। आपको जब भी ये फोन आएगा, आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन एंड रिव्यूज तो आपको मिल ही जाएंगे। दोस्तों, TMC का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अभी नहीं हो रही है, हवावी की तरफ से वो नहीं हो रही है। जितने भी वो सॉफ्टवेयर या चिप डेवलपमेंट करती है TMC, उन्होंने कहा है May 15 से हमने हुआवी के कोई भी चिप्स एंड कोई भी सॉफ्टवेयर, यानी कि हम अभी कोई भी ऑर्डर नहीं लेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है जी हाँ दोस्तों, ये USA और चाइना के जो ट्रेड वॉर चल रही है उसकी वजह से ये है। और दूसरी चीज दोस्तों, जो एप्पल के जो TRS बेस्ड जो सॉफ्टवेयर थे या प्रोसेसर थे, वो अब TSMC मैन्युफैक्चरिंग करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये तो होना ही था। कैनलिस की एक रिपोर्ट आई है शिपमेंट स्मार्टफोन की इन 20 क्वार्टर 2020, उसमें हमको 48% का ड्रॉप देखने को मिलता है और शायद इंडिया में तो एकदम जीरो देखने को मिलता है, क्योंकि क्वार्टरली मंथ मतलब मई अप्रैल जून इनमें तो लॉकडाउन था, उस वजह से तो इसमें 0%। इसलिए दोस्तों, जून में थोड़े से फ़ोन खरीदे गए हैं क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, इसलिए जून जून मंथ में थोड़ा सा फ़ोन में वो हुआ है।
और दोस्तों ये ग्लोबलाइज रिपोर्ट है कि 48% तक गिर गए, और सबसे जो कम वो हुआ है वो है हुआ है एप्पल को, और बाकी जो ये चाइनीज फोन के ऐप थे एमआई शाओ एमआई रियलमी और ऐसे ही तरीके से, इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। दोस्तों उस रिपोर्ट में एक चीज और लिखी थी कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है रियलमी और शाओमी को, क्योंकि उसका अल्टरनेट इंडिया में नहीं है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस में, जैसे कि नोकिया के या और फिर और अदर कंपनी जो अपनी इंडिया की, उनके अल्टरनेट नहीं है। बट दोस्तों अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको अभी तो खैर चाइनीज फोन खरीदने पड़ेंगे जब तक इसके अल्टरनेट ऑप्शन नहीं आ जाते अच्छी प्राइस में या मिड रेंज प्राइस। और दोस्तों गैलेक्सी फैन एडिशन, दोस्तों बेसिकली ये S20 Lite होने वाला है जो अगस्त सितंबर में लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में दो तीन चीजें आ चुकी है, लीक बेंच में आ गया है, कहा जा रहा है ये 6 GB वेरियंट होगा अप टू 265 GB, और 865 के आसपास इसका प्रोसेसर होने वाला है। और दोस्तों ये अफोर्डेबल प्राइसिंग में आने वाला है, और जो डिज़ाइन है वो S20 के जैसे ही दिखने वाला है। और दोस्तों ये जो गैलेक्सी का फैन एडिशन है ये दो वेरिएंट में आएगा, एक तो 5G में आएगा और एक 4G में आएगा। जैसे इंडिया में अभी 5G नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर 5G हो जाएगा, लेकिन अभी इंडिया में ये 4G में आएगा, और बाकी जहाँ और जहाँ पे 5G है वहाँ पे ये 5G पे ही फैन गैलेक्सी फैन एडिशन आएगा। दोस्तों कहा जा रहा था कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 है वो फरवरी में लॉन्च होने वाला था, लेकिन इस कोविड की वजह से डिले हो गया। अब कहा जा रहा है कि ये अगस्त या सितंबर में ये लॉन्च हो जाएगा। ये ब्लूटूथ 6 नाम की वेबसाइट में ये लिस्ट हो गया है, एंड दोस्तों एमोलेड स्क्रीन होगा और स्नैपड्रैगन कॉल स्नैपड्रैगन 675 होगा, और 8 GB वेरिएंट भी होगा, 10 पे बेस होगा, और जो 675 प्रोसेसर है वो थोड़ा वो पुराना प्रोसेसर है, लेकिन जी हाँ दोस्तों देखेंगे करेंगे इसका भी फर्स्ट इम्प्रेशन। आए दिन दोस्तों वन प्लस नोट के बारे में बहुत सारी लीक्स एंड अपडेट्स आ रहे हैं, वहीं के एक वन प्लस के बंदे ने एक ठो लिस्ट कर दिया है, साइज नहीं बताया लेकिन बता दिया स्क्रीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों की स्क्रीन होगी एमुलेट 90 Hz की स्क्रीन होगी विथ 180 टच सैम्पलिंग के साथ भी होगी। दोस्तों इसमें एक चीज और भी कंफर्म हो गई कि इसमें 12 GB वाला वेरिएंट भी आएगा, मतलब इसका मतलब वो थोड़ा महंगा जाएगा। अब ये नहीं पता कि बेस वेरिएंट कितने प्राइस में आता है इसका। दोस्तों जो हमारा था रेडमी का नोट 9, वो कल या परसों या जुलाई 28 को लॉन्च होने वाला है, उसमें उसने उनने कह दिया कि उसमें बेस वेरिएंट 2 3 GB वाला था वो नहीं आएगा, 4 GB वाला आएगा और 6 GB वाला आएगा। तो अब दोस्तों जो इसकी प्राइसिंग है वो देखना है कि क्या इसकी प्राइसिंग आती है। जो फाइनली दोस्तों जो डिजिटल चैट स्टेशन है उनने ये बताया था कि जो 100 वाट का फास्ट चार्जिंग आएगा वो तो आएगा ही, और साथ में जो बड़ी बैटरी का फोन भी आएगा वो भी आएगा, वो कंफर्म्ड है इसमें। यानी कि सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है शाओमी के फोन में, जो मी मैक्स आया था उसमें 5500 mAh की बैटरी थी, अब इसमें देखते हैं कितने mAh की बैटरी है। मेरे को तो लगता है कि 6000 mAh की बैटरी होगी, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वाला वेरिएंट अभी कंफर्म नहीं है कि इंडिया में आएगा भी कि नहीं आएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे हमारी टेक की बातें होती है खत्म, लेकिन आपको मैं एक ऑफर के बारे में बता देता हूँ। अमेजोन के ऊपर चल रहे हैं एप्पल स्टोर के सेल, जो आपको एप्पल के आईफोन 11 वगैरह में अच्छे एक डिस्काउंट में या सेल में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वंदे मातरम।